अच्छा बताओ किसका किसका ध्यान कीर्तन में है, किसका किसका, दिल से बोलना। देखो कई लोग सोच रहे हैं कि कल दुकान खोलनी है ना। मैंने हमेशा कहा कीर्तन में बैठोगे नुकसान नहीं होगा। आप गद्दी पर बैठकर क्या कर सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप गद्दी पर नहीं रहोगे और ठाकुर के चरणों में रहोगे तो ये वो कर देगा जो इस जन्म में भी नहीं सोचा और अगले जन्म में भी नहीं हो सकता, वो कर देगा। बोल श्याम प्यारे की। अब बताओ कौन कौन कीर्तन करेगा, ज्यादा नहीं। देखो महाराज जी भी खाटू धाम से, भगत जी बाबा श्याम के अनन्य भक्त, भगत जी आलू सिंह जी महाराज जी के प्रपोत्र श्री श्याम सिंह जी चौहान बाबा के दरबार में खाटू से, हम लोग सब एक ही साथ निकले थे खाटू से और बाबा के दरबार में ये भी आए हुए हैं, और पुराने भजनों की वो गंगा इनके मुखारविंद से बहेगी। अगर आप चाहते हो उस गंगा में गोते लगाएं तो बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कीजिए और उसके बाद बाबा के चरणों में वो पुराने भजनों की गंगा बहेगी, लेकिन दिल से बैठना पड़ेगा। शाम के दरबार में दिमाग से काम लोगे काम नहीं बनेगा, और दिल से काम लोगे काम बन जाएगा। बोल श्याम प्यारे की। अब बताओ कौन दिल से काम लेगा, कौन कौन आइए मिलकर बोलेंगे। एक गाड़ी 825 825 नंबर गाड़ी बाहर बीच रास्ते में खड़ी है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, जिस किसी भी श्याम प्रेमी की हो वो कृपया मैनेज करें आइए। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, हमको तो आसरा है। किसको भी ऐसे नहीं, किसको किसको आसरा है आइए एक साथ तालियां बजाते हैं। एक दो तीन चार।
हमको तो आसरा है।
हमको